बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय कैबिनेट के मेंबर, एसजीपीसी दिल्ली के प्रधान और आज छोटे साहबजादों को नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए जितने भी लोग आए हैं और पूरी दुनिया में यहाँ यहाँ भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसी कुर्बानी की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। यहाँ पर 9 साल और 7 साल के साहबजादों ने ईन नहीं मानी, हार नहीं मानी, बहुत जुल्म किए गए, लालच दिए गए। उन्होंने कहा दशमेश पिता के लाल हैं और वो साहिब कमाल हैं। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, पूरी दुनिया से आज लोग चलकर फतेहगढ़ साहब आ रहे हैं, जहाँ यहाँ भी वो हैं वहाँ गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं। एक बात मैं कहनी चाहूँगा, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, जब दीवार में चिने जा रहे थे छोटे साहबजादे, तो प्रधानमंत्री जी जब दीवार घुटनों तक आई तो घुटने थोड़ा आगे रहते हैं, ईंट को तोड़ना पड़ना था, ईंट पर हथौड़ा चलाना था। इतना जालिम था सूबा सरहंद, बोला ईंट पर हथौड़ा नहीं चलेगा, चारों घुटने छील दो। चारों घुटने हथौड़े से छील दिए गए, निकाल दिए गए। इतना जुल्म हुआ, फिर भी बोले सोने हाल के जयकारे। बाबा जोरावर सिंह जी की आंखों में पानी आ गया, तो छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह जी ने बड़े भाई से पूछा, भाई साहब क्या डर लग रहा है मौत से, आंखों में पानी है? तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, फतेह मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, ये आंखों में पानी तेरे बारे में सोच के आ रहा है। तू दुनिया में आया मेरे बाद था, जाएगा मेरे से पहले, क्योंकि उनका कद छोटा था, गर्दन तक दीवार पहले छोटे साहबजादों के पहुंचती थी। ऐसी कुर्बानी, और इसको इस पूरे महीने को वैसे तो शोक के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन मैं जान है बचपन में मेरे दादा दादी 20 तारीख के बाद चारपाई पर नहीं सोते थे 10 दिन। तो बच्चों के मन में सवाल आ ही जाता है, हम मैं अपने माँ बाप से पूछता था, दादा दादी चारपाई पर क्यों नहीं सोते? तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो महीना है, ये जो हफ्ता है, ये बहुत ही अफसोस का है। जैसे घर में मौत हो जाए लोग चारपाई पर नहीं सोते, ये अपने छोटे साहबजादे उनकी शहीदी का हफ्ता है तो लोग चारपाई पर नहीं सोते, अफसोस मनाते हैं, कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते। इसको जोड़ मेल कहा जाता है, जोड़ मेला नहीं, जोड़ मेल, सर जोड़कर बैठो और अफसोस करो और कुर्बानी को याद करो और अगली पीढ़ियों को बताओ कि जुल्म के खिलाफ ऐसी कुर्बानियाँ 9 और 7 साल की उम्र में हो गई थी। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े थे उनके, खून में जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ने की दृढ़ता थी। आज हम
सभी हमारे योद्धाओं को याद करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद उधम सिंह जी का जन्मदिन है आज। क्यों याद करते हैं? लोग उनको कभी भी याद नहीं रखते जो बैंकों में खाते खुलवाकर जाते हैं, और लोग उनको कभी भी नहीं भूलते जो दिलों में खाते खुलवाकर जाते हैं। इन शहीदों ने, इन गुरुओं ने, इन पीरों ने, इन साहबजादों ने हमारे दिलों में खाते खुलवाए हुए हैं। रहती दुनिया तक इनको याद किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज इस शहादत को बहुत दुनिया में पहुंचाया। बहुत से लोग आज पहली बार उनको शायद पता चल रहा होगा कि क्या हुआ था, तो इसके लिए पंजाब की 3 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक और आपने पंजाब को तोहफा दिया है कि G20 के 2 सम्मेलन, एक एजुकेशन और एक लेबर पर, श्री अमृतसर साहब में होंगे। और अमृतसर साहब गुरुओं पीरों की धरती है, दुनिया से लोग आएंगे, हम उनको दरबार साहब दिखाएंगे, जलियांवाला बाग दिखाएंगे, बाघा बॉर्डर की परेड दिखाएंगे हमारे जवानों की, उनको दुर्गियाना मंदिर दिखाएंगे, जगाराम तीर्थ दिखाएंगे, और उनको बताएंगे कि हम ये लोग हैं, हम अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेज़बानी के लिए माने जाते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, मेहमान के लिए हम बेस्ट से बेस्ट जो घर में खाना होता है वो देते हैं। तो पूरे दुनिया भर में जितने पंजाबी हैं जो नतमस्तक हो रहे हैं इस शहीदी को, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और आपने आज यहां मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूं। और इस कुर्बानी को और भी दुनिया तक पहुंचाना है, आने वाली जनरेशन को भी बताना है कि सिर्फ इस उम्र में कुछ पेरेंट्स से मांगा नहीं जाता, इस उम्र में समाज को जान भी दी जा सकती है, कुर्बानी भी दी जा सकती है। तो जैसे कि बहुत ही कमाल कीर्तन हो रहा था, बड़ी सिंक्रोनाइजेशन थी, बहुत अच्छे तरीके से याद किया गया उनको। और उसमें भी यही कहा गया था कि जिसकी जुबान पर फतेह, उसकी जहान पर फतेह। इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।